तो गाइस अपडेट के बाद बहुत बंदे रिक्वेस्ट कर रहे थे लैग फिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा वीडियो वर्कफुल होता है। तो गाइस सभी बंदे के पास मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरे सेकेंड चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, जाके मेरे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि वहां पे भी न्यू वीडियोस अपलोड होगा। तो गाइस मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाओ जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो जितने भी बंदे ये वीडियो देख रहे हो। अब देखो यार, इस बार जो अपडेट का साइज था भाई वो 250 या फिर 300 MB के आसपास था, लेकिन फिर भी 2GB 3GB या फिर 4GB रैम में तो गेम लैग कर ही रहा है। साथ ही साथ 6GB रैम वाले फोन में भी हल्का फुल्का हमें फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा है। पर क्यों और इसको कैसे सॉल्व करें? तो गाइस देखो, लैग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये 5 टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, देन आप लोग अपने लैग को भाई 90% तक फिक्स कर सकते हो। और गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखो, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करके देखोगे तो आप लोग काफी सारे पॉइंट्स को मिस कर दोगे, जिससे आप लोग लैग फिक्स नहीं कर पाओगे। तो प्लीज यार वीडियो में थोड़ा सा बने रहे और वीडियो को बिना स्किप करे देखे। तो गाइस हमारा जो पहला पॉइंट है ये है फोन हीटिंग। अब देखो यार, गर्मी का मौसम चल रहा है, लोगों की ऐसे ही फट जा रहा है। अगर आप लोग गेम खेलोगे, हाई जीबी वाला एप्स को ओपन करोगे तो ऑब्वियसली आपका फोन हीट करेगा। अब देखो यार, जैसे ही आप लोग मोबाइल डेटा को ऑन करके किसी भी भाई हल्का फुल्का एप्लीकेशन को भी यूज करते हो ना, जैसे फेसबुक या फिर व्हाट्सअप, तब भी वहाँ पे आपका फोन थोड़ा बहुत हीट करता है। लेकिन आप लोग जैसे ही मोबाइल डेटा को ऑन करके गेम खेलने जाते हो, भाई गेम का साइज तो बहुत ज्यादा है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके डिवाइस के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके वजह से फोन और भी ज्यादा हीट हो जाता है। अब देखो, अगर आपका फोन हीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका गेम और भी ज्यादा लैग करके चलेगा। अब देखो यार, फोन को ठंडा करने के लिए ना बहुत सारे बंदे फोन को फ्रिज में घुसा देते, तो ऑब्वियसली फ्रिज में फोन को घुसाने से भाई फोन तो ठंडा हो जाता है, लेकिन फोन में कहीं सारे साइड इफेक्ट्स आता है। और ये मैं नहीं बोलता, ये गूगल चाचा बोलते हैं। अगर आप लोग गूगल करके देखोगे ना तो वहां पे आपको काफी सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, अगर आप लोग फोन को फ्रिज में रख के ठंडा कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग फ्रिज में रख के फोन को ठंडा नहीं कर सकते तो हम लोग इसके लिए क्या करें? तो भाई इसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको क्या करना है। आप लोगों को कोई भी एक भाई कपड़ा ले लेना है और उस कपड़े को आपको थोड़ा सा ठंडा पानी से भिगो लेना है। भिगोने के बाद आपको उस कपड़े को थोड़ा सा निचोड़ लेना है। निचोड़ लेने के बाद आपको क्या करना है, अभी आप लोग गेम को खेल सकते हो, और जब भी आपका फोन थोड़ा बहुत हीट करेगा तो जिस कपड़े को आप लोगों ने भिगो के रखा है और थोड़ा सा निचोड़ के रखा है, तो उस कपड़े के ऊपर आप लोग अपने फोन को रख देना, थोड़ा बहुत रख देना। जैसे ही आपका फोन ठंडा हो जाए फिर आप लोग गेम खेल सकते हो, और फिर जब गर्म हो जाए फिर आप लोग उस कपड़े के ऊपर फोन को बिठा देना, तो इससे आपके फोन में कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं आएगा। अगर आप लोग गूगल करके भी देखोगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा। तो गाइस हमारा सेकंड पॉइंट है स्टोरेज। अब देखो यार, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि फोन में ना काफी सारे एप्लीकेशन यूज करते, भाई फ्री फायर तो रहते ही है, उसके साथ और भी ज्यादा एप्लीकेशन यूज करते हैं भाई 2GB 3GB या फिर 4GB रैम वाले फोन में। तो वहां पे क्या होता है कि जब भी गेम खेलते हैं ना, तो ऑब्वियसली यार गेम तो भाई बहुत ही ज्यादा लैग करेगा, ये चीज तो भाई होगा ही होगा, ठीक है ना। अब देखो यार, अगर आपको सच में ही गेम को स्मूथली खेलना है तो आप लोग भाई सारे एप्लीकेशंस को डिलीट कर दो, बस काम के एप्लीकेशंस को फोन में रखो, जैसे फेसबुक या फिर व्हाट्सएप। अब देखो, फेसबुक का आप लोग लाइट वर्जन यूज कर सकते हो, क्योंकि उसका साइज बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो भाई यार ऐसे ही आपको छोटा मोटा एप्लीकेशंस फोन में रखना है ताकि आप लोग गेम को स्मूथली चला पाओ। अब देखो, कुछ बंदे एक मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि वो लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस को ना बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर फेसबुक को वो लोगों ने ओपन करा है, वहाँ पे फेसबुक को थोड़ा बहुत यूज करके फेसबुक को मिनिमाइज कर देते, दिन व्हाट्सएप खोल लेते, व्हाट्सएप में थोड़ा बहुत मैसेज वगैरह करके फिर उसको मिनिमाइज कर देते, फिर कोई अदर से एप्लीकेशन को ओपन करता है, फिर वो मिनिमाइज कर देते हैं और फिर गेम खेलता है। तो वहां पे क्या होता है कि भाई अगर आप लोग चेक करोगे तो वहां पे आपके बैकग्राउंड में काफी सारे एप्लीकेशन रन करते हैं, जिसके वजह से आपका फोन और भी ज्यादा लैग करता है। तो आप लोग ये मिस्टेक मत करो, क्योंकि अगर आपके बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन चल रहा है तो उसको सबसे पहले आप लोग इजिली रिमूव कर दो, देन आप लोग गेम को ओपन करो, इससे आपका लैग काफी हद तक फिक्स हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके फोन में SD कार्ड है तो आप लोग डिवाइस स्टोरेज में कोई भी चीज मत रखो, वीडियोस, फोटोज या फिर कोई भी चीज हो उसको आप लोग अपने SD कार्ड में ट्रांसफर कर लो, क्योंकि आपको डिवाइस स्टोरेज को जितना हो सके उतना आपको खाली रखना है, तभी आपका गेम स्मूथली रन कर पाएगा। तो अभी बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में, जो है पिंग प्रॉब्लम। अब देखो यार, 12GB रैम वाले फोन में भी ना गेम लैग करता है जब नेटवर्क घटिया चलता है। तो हाँ यार, अगर आपका नेटवर्क बिल्कुल घटिया है, पिंग प्रॉब्लम हो रहा है, भाई पिंग
कभी 200 जा रहा है, कभी भाई 300 जा रहा है, फिर भाई 80 में आ रहा है, फिर 50 में आ रहा है, फिर आप लोगों का पिंग भाई 200 में जा रहा है, 300 में जा रहा है। तो अगर ऐसा पिंग चल रहा है ना तो ऑब्वियसली आपका गेम वहाँ पे लैग करेगा। अब देखो पिंग प्रॉब्लम के ऊपर मैं एक प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द। अगर आप लोगों ने इस वीडियो में 2K लाइक सेम कंप्लीट कर दिया तो मैं पिंग प्रॉब्लम के ऊपर भी एकदम अलग से वीडियो बना के दूंगा आप लोगों के लिए। तो उसके लिए आपको बस वीडियो को एक लाइक करना है और कुछ भी नहीं करना। तो भी बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में जो है अननेसेसरी डेटा। अब देखो अगर आप लोग मोबाइल के सेटिंग के अंदर जाओगे, फिर आप लोग यहाँ पे एप्स में आओगे और देन आप लोग एप्स मैनेजमेंट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन यहाँ पे आपको शो कर जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप लोग अगर क्रोम के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको एक स्टोरेज यूसेज का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आप लोग जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे एक चीज देखने को मिलेगा जो है कैच। और ये जो कैच है ना इसको बोलते हैं अननेसेसरी डेटा। पर इसका कोई काम नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे फोन में स्टोरेज खा के रखता है। तो भाई देखो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नीचे में आपको क्लियर कैच का ऑप्शन मिल जाएगा तो यहाँ से आपको सिंपली क्लियर कैच कर देना है। तो जैसे ही आप लोग क्लियर कैच कर दोगे तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऐप का साइज था वो कितना कम हो चुका है। तो ऐसे करके आपको हर एक एप्लीकेशन के अंदर जाना है और देन वहाँ पे जाके आपको इसका जो क्लियर कैच है मतलब जो अननेसेसरी डेटा है ना उसको आपको क्लियर कर देना है। इससे आपका एप्लीकेशन का साइज भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ आपके फोन में स्टोरेज भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपका गेम इजीली बैकग्राउंड में भाई स्मूथली रन कर पाएगा। बहुत सारे बंदे ये ट्रिक को नहीं जानते हैं और वो लोग यूज नहीं करते, लेकिन आप लोग जरूर एक बार ट्राई करके देखना। तो अभी बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में जो है गेम सेटिंग्स। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको गेम को ओपन कर लेना है, देन आपको गेम के सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले में आना है। डिस्प्ले में आने के बाद सबसे पहले आपको काम जो करना है, यहाँ पे जो हाई FPS का ऑप्शन अगर आपके फोन में शो कर रहा है ना तो ये जो हाई FPS है इसको आपको भाई ऑन कर लेना है, क्योंकि इसको ऑन करने से गेम काफी हद तक भाई स्मूथ चलने लग जाता है, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन को आपको एक बार ऑन कर लेना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्राफिक सेटिंग में आपको यहाँ पे स्मूथ में खेलना है, चाहे आपके पास 2GB 3GB या फिर 4GB रैम के डिवाइस क्यों ना हो। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप लोग यहाँ पे फ्री फायर मैक्स खेल रहे हो तो देन आपको यहाँ पे FF मैक्स वाले सेटिंग पर आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे जो जो सेटिंग्स करके रखा है आप लोग देख सकते हो, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही सेटिंग्स कर लेना है भाई। यहाँ पे आपको कोई भी सेटिंग्स इधर उधर नहीं करना है, जैसा जैसा सेटिंग्स मैंने करा है आपको भी ऐसा ही सेटिंग्स करना है, तभी जाके आप लोग गेम को इजिली रन कर पाओगे। तो गाइस अगर आप लोग ये 5 टिप्स को फॉलो करते हो तो आप लोग 90% तक अपने लैग को फिक्स कर सकते हो बहुत ही इजिली। और सबसे पहले आप लोग ये सारे टिप्स को एक बार फॉलो करके ट्राई करो और अगर आपका लैग फिक्स हो जाता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।